बहुत सारे लोग रशिया जाने वाले होते हैं और उससे पहले सर्च करते हैं, उनको जानकारी चाहिए होती है कि मतलब कि उनका कितना खर्चा आ जाएगा, कैसी रशिया कंट्री है, तो उनके लिए ये वीडियो काफी इन्फॉर्मेशन वाली होने वाली है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर रशिया में रहने का कितना खर्चा आ जाता है। आज इस वीडियो में मैं पूरा टोटल बताऊंगा आपको कि वीजा से लेकर डॉक्यूमेंट से लेकर फ्लाइट टिकट और वहाँ पे कितना खाने पीने का, रहने का और ट्रैवल का पूरा टोटल कितना खर्चा आ जाता है। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है कि जो रशिया जाने की सोच रहे हैं और ये नए नए वहाँ पे गए हैं तो उनके लिए काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इस ब्लॉग में होने वाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं डॉक्यूमेंट की। सबसे पहले आपको पता है वीजे रशिया के जाने के लिए सबसे पहले आपको वीजा चाहिए होगा। वीजे के लिए आपको इन्विटेशन लेटर चाहिए होगा। इन्विटेशन लेटर बहुत सारे प्रकार के होते हैं। आप किस पर्पस से रशिया जाने वाले हो, अगर आप घूमने के लिए जाने वाले हो तो आपको आपका इन्विटेशन 2 से 3 हज़ार रुपये में आपको मिल जाएगा। और वहीं बात करें वर्क वीज़ा की तो उसकी प्रोसेस अलग है। उसके लिए आपको जो पेपर वर्क है उसकी फ़ीस आपको करीबन 1.5 से 2 लाख रुपए उसकी फ़ीस है, वो देनी होगी। ये हो गया क्लियर इनविटेशन का। और उसके बाद आपकी बारी आती है वीज़ा लगवाने की, और वीज़ा जो फीस है वो भी आपकी 20-25 हज़ार वीज़ा फ़ीस आपकी लग जाएगी। तो टोटल आपका जो खर्चा जाएगा इन्विटेशन वीज़ा का, आने जाने का दिल्ली, वो आपका 30-35 हज़ार रुपया आपका डॉक्यूमेंट का खर्चा आ जाएगा। सो सबसे पहले ये क्लियर हो गया। तो जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट क्लियर हो जाते हैं आपका वीज़ा लग जाता है। दूसरा जो चीज़ है आपकी है वो है फ्लाइट टिकट। फ्लाइट टिकट डिपेंड करती है डेट पे, कौन सी डेट में आप जा रहे हो, क्योंकि फ्लाइट कभी किसी डेट में सस्ती हो जाती है, किसी से दिन महंगी मिलती है। तो आपको ये थोड़ा सर्च करना है और आपको सर्च करते रहना है किस दिन ये फ्लाइट सस्ती है और किस दिन महंगी है, तो उसी हिसाब से आपने अपनी टिकट करनी है। तो मैं बताऊं आपको कि आपकी फ्लाइट टिकट कितने की होगी इंडिया से रशिया की और वापसी। अगर आप एरोफ्लोट की फ्लाइट करते हो फ्लाइट, तो आपकी जो फ्लाइट है वो होगी आपकी 45 हज़ार से लेकर 60 हज़ार के बीच बीच में आपकी फ्लाइट टिकट आपको मिल जाएगी रशिया की। अगर आप सामान लेके जाओगे तो आपको इतने की मिल जाएगी, अगर आप बिना सामान के फ्लाइट टिकट करोगे तो आपको 10-15 हज़ार और सस्ती मिल जाएगी। जैसे ही आप रशिया पहुंच जाते हो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है रहने का, उसका कितना खर्चा आएगा। तो वो मैं आपको बताऊं, रशिया में आप जगह दो चीजें आप चूज कर सकते हो, होटल या हॉस्टल। हॉस्टल है वो आपको सस्ता पड़ता है। हॉस्टल में क्या होता है, आपको एक बेड मिल जाता है, एक सामान रखने की अलमारी मिल जाती है और आपको सबके साथ शेयर करना पड़ता है वो रूम, और आपको किचन टॉयलेट सब आपको जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे होंगे उस रूम के अंदर उसके साथ आपको शेयर करना पड़ेगा। तो वो आपको मिल जाएगा करीबन 500 से 700 रूबल पर डे के बीच में। और वहीं आप होटल लेते हो तो होटल का आपका डिपेंड करता है कि लोकेशन, आप किस लोकेशन में आपका होटल है और वो होटल कैसा है। पर अगर आप एवरेज में आपको बताऊं तो आपको 1000 रूबल 1200 के बीच में है पर डे आपको होटल मिल जाएगा रशिया में। तो ये तो बात हो गई रहने की, अब बात कर लेते हैं खाने पीने की। खाने पीने का वहाँ पे ऐसा है कि अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो आपको पड़ेगा वहाँ पे सस्ता, क्योंकि वहाँ पे जो मीट है वो काफ़ी सस्ता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वहाँ पे थोड़ी सब्जियाँ जो हैं वो थोड़ी महंगी हैं। रशिया में आपको इंडियन रेस्टोरेंट कैफे आसानी से मिल जाएंगे, वहाँ पे काफ़ी इंडियन रेस्टोरेंट और कैफे हैं। उसमें आपको क्या है, आपको बिजनेस लंच मिल जाता है, एक थाली मिल जाती है जिसके अंदर आपको दाल रोटी सलाद सब्जी एक ड्रिंक ऐसे आपको मिल जाता है जिससे आपका पूरा पेट भर जाएगा। करीबन 300 से 400 रूबल के बीच बीच में आपको ये थाली मिल जाती है। वहीं आप अगर के पास अदर ऑप्शन भी है, क्योंकि आपको रूम में किचन तो होती है तो आप अपना सामान ला के खुद भी कुक कर सकते हो, जिसका आपको खर्चा करीबन 10 से 15 हज़ार महीने का खर्चा आपको आ जाएगा अगर आप खुद से कुक करते हो सामान लाके। सामान का इतना खर्चा आपको हो जाएगा 10 से 15 हज़ार महीने। बहुत सारे लोग रशिया जाने वाले होते हैं और उससे पहले सर्च करते हैं, उनको जानकारी चाहिए होती है कि मतलब कि उनका कितना खर्चा आ जाएगा, कैसी रशिया कंट्री है। वैसे मैं बताऊँ रशिया बहुत ही सेफ कंट्री है, ना तो वहाँ पे ज़्यादा कोई वॉयलेंस है, आप कहीं भी दिन रात कहीं भी काम कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बस आपको एक दिक्कत आने वाली है कि वहाँ पे लैंग्वेज की, क्योंकि आपको पता है कि रशिया में ज़्यादातर रशियन लैंग्वेज चलती है, इंग्लिश बहुत कम चलती है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप थोड़ी बहुत रशियन यहीं से सीख के जाएँ तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा, आप आसानी से जॉब कर पाएंगे। अगर आपको रशियन नहीं आती ना रशिया में तो थोड़ी दिक्कत आने वाली है आपको
ये पहले से आप नोट करके चलिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ गए होंगे कि आपका कितना खर्चा होने वाला है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक कर देना। जिसने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।